चाचू, बंदूकनी जी का विश्वास देख के लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भतीजे देख, मैं यहाँ खड़ी थी जब उसने अपनी बाइक घुमा ली और मेरे मुंह के ऊपर धुआं छोड़ के बोला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और फिर उस तरफ टर्न लेके पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आइडिया, अचानक यहाँ से बाइक के टायर मार्क्स गायब हो गए हैं। ओहो, वही बात तो पल्ले नहीं पड़ रही भतीजे। बंदूकनी जी, तब आसपास और कोई गाड़ी दिखी थी क्या, कोई भी फोर व्हीलर? हाँ, उस पक्की सड़क पे एक नीले रंग का टेम्पो जाते दिखा था मैंने। लेकिन जबरू का टेम्पो नीले कलर का नहीं है, उसके ऊपर तो शो के रंग बिरंगे पोस्टर्स लगे हुए हैं। हो सकता है आपने किसी और को देखा हो। भतीजे, इब तन्ने भी लगता है कि बंदूकनी की आंखें खराब हो गई से है? ना भतीजे ना, जब भरोसा ही नहीं तो यो वर्दी किस काम की। ओए जबरू, ये हमसे क्या करतब करवा रहा है? ओए बलवान, तुझे लटकने के लिए कहा है तो लटक जा, वरना तेरी सैलरी लटक जाएगी। ओए पल्ला साहब, वो मुझे चक्कर जैसी फीलिंग आ रही है। आने दे, आने दे, मुझे तो अमीर बनने की फीलिंग आ रही है। जबरू साइकिल पे और जबरू बाइक पे, नीले को गुत्थी सुलझ नहीं रही। टायर के निशान तो मैच हो रहे हैं, पर ये पिंक कलर का टेम्पो है, ये क्या? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, यही तो बोला था बंदूकनी जी को उस चोर ने, लेकिन वो टेम्पो तो ब्लू कलर का था। इन सब के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। ओ, तो ये बात है, चोर अपनी बाइक से भागते वक्त इस टेम्पो में घुस जाता है और फिर ढूंढने वाला बाइक ढूंढता रह जाता। खोजी अंकल, आज कौन सी नई मशीन बनाई है? भतीजे, ये एक ऐसी मशीन है जो जमीन के नीचे छुपे हुए सोने का पता लगा सकती है। सरकार ने बताया है कि सदियों पहले फंटूस नगर की जमीन के नीचे बहुत सारा सोना गड़ा हुआ था। ये मशीन हमें उस सोने को सरकार तक पहुंचाने में मदद करेगी। ओए वाह भाई खोजी, क्या मशीन बनाई है, क्या मैं इसका टेस्ट ले सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर। जैसे ही मशीन चालू होगी, ये तुम्हें अपने आप उस ओर ले जाएगी जहाँ जमीन के नीचे सोना छुपा होगा। ओ, मैं तैयार हूँ खोजी। ओए, ये मशीन सोना ढूंढ रही है या मुझे परेड करवा रही है? ओ, कुछ करो। फिकर नॉट बलवंत, मैं हूँ ना। ओए, ये तो मेरा डायलॉग है। और ये मेरी मशीन है, भरोसा रखो, जल्द ही हमें सोने तक पहुँचा देगी। चाचू, खोजी अंकल की मशीन जरूर काम करेगी, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता जमीन में छुपे सोने को ढूंढने का। सोना, सोना, सोना। बलवंत, लगता है सोना यही कहीं छिपा है। चलो चलो जल्दी, हमें जमीन खोदनी चाहिए। हैं? जमीन खोदनी पड़ेगी? ओए खोजी, सोना ढूंढने की मशीन के साथ साथ जमीन खोदने की मशीन भी बना लेते। एक मिनट, जमीन खोदने की जरूरत नहीं है, वो देखो मैन होल, हम वहाँ से जमीन के नीचे जाकर सोने का पता लगा सकते हैं। ओए वाह भतीजे, तूने और कसरत करने से बचा लिया। क्या तुमने वही सुना जो मैंने सुना? एक सोना ढूंढने की मशीन, हमें ये मशीन किसी भी तरह इन चाचा भतीजे से लेनी होगी। तो नहीं, काम में देर किस बात की जिज्जे? सोना, 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 मिल गया सोना, मिल गया सोना। भूत, भागो! अरे अंकल, हम कोई भूत वूत नहीं है।
अच्छा तुम लोग भिखारी हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जमीन के नीचे भी भीख मांगने चले आते हैं। चुप कर, हम तुम्हें भिखारी नजर आते हैं। मिल गया सोना, मिल गया सोना, मिल गया सोना। दत तेरे की खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इस मशीन ने तो इस आदमी की पहनी हुई सोने की अंगूठी की तरफ इशारा किया है। और हम समझे जमीन के नीचे सोना मिल गया है। सोना? तो तुम लोग भिखारी नहीं, चोर हो। मेरी मेरी अंगूठी मत छीनना। ओ बलवंत, सूटकेस जरा संभाल के रख, इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है। क्यों जिज्जे, आज भल्ला के भारी सूटकेस को जरा हल्का कर दे। बिल्कुल, मेरी धूम धड़ाका गोली किस दिन काम आएगी। वाह, कितनी शानदार है ये ट्रेन। हाँ, फंतोष नगर की पहली सुपरफास्ट ट्रेन जो अब सीधे राजनगर जाके रुकेगी। पर ये बंदूक निजी इतनी स्लो कैसे हो गई? अगर वो ट्रेन का उद्घाटन करने जल्दी नहीं आई तो ट्रेन छूटने में देर हो जाएगी। अरे बावड़ी भूत जी क्रॉस। अरे ये मैडम जी का स्टाइल है। टोलकी, इंस्पेक्टर बंदूकनी ट्रेन के ठीक सामने खड़ी है, यही सही मौका है। इसने हमें बहुत दौड़ाया है, आज इसे दौड़ाते हैं। सही कहते हो जीजे। ट्रेन तो मेरे पीछे ही पड़ गई। ओ कोई बचाओ मुझे। जे, वो तेरी मेटल हेड तो कमाल करती है। करती है टिट फॉर टैट, ऐसी है मेरी सुपर हैट। इन चाचा भतीजे ने तो सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। कोई बात नहीं, अब हम इस धूम धड़ाका गोली का इस्तेमाल करके इस सुपर फास्ट ट्रेन में सुपर फास्ट पैसे बनाएंगे। वैसे पल्ला जी, हम जहाँ कह रहे हैं? ओ कहीं नहीं पम्मी, नई ट्रेन सेवा शुरू हुई है तो टिकट डिस्काउंट ऑफर में आधे दाम में मिल रही थी तो मैंने खरीद ली। आ अटेंशन, हम मुगलों के जमाने के चाय वाले हैं। हम पहले पैसे लेते हैं फिर चाय देते हैं, समझे? सब लोग फैल जाओ, पता कि मेरे पीछे आओ। खामोश, चपर गंजू, खामोश। ओए ओए, खामोश खामोश बोल के मुझे बेहोश करेगा क्या? लगता है मिमिक्री अंकल आज फिर से किसी कैरेक्टर में घुसे हुए। ओए ओए ओए, लेकिन मुझे तो झाड़ियों में घुसा दिया ना। ओए पतीजे, ओए दुनिया गोल है, ओए मेरे स्कूटर का हैंडल झोल है। ओ रोक दे रोक दे। जो तू करना क्या है, हैंडल आपके हाथ में, उसे सीधा करो। ओ फिकर लौट जी हो जाएगा। खामोश, किसका मुंह देखा था आज, पूरा जंगल पीछे पड़ा है। मिमिक्री, तुझे बर्गर लाने के लिए कहा था, बंद रही। रे
बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, यो उल्टी फाइल तारे ताऊ ने पढ़नी सिखाई से। ओ ये बहादुर बंदर कैसे हो गया? रे बावड़ी बूझ, यो पुलिस थाना सह के बंदर थाना। ए चिल्लो पिल्लो, तुम यहाँ हो? हाँ, ओहो मेहरबान कदरदान। मैडम जी माफ करना, ये दोनों बंदर हैं नादान। अरे बावड़ी बूझ, यो ना समझना कि हम डर गए, लेकिन अपने नादान बंदरों को थोड़ा कंट्रोल में रख। ओके मैडम जी। बंदुकनी जी कहाँ गई? अरे ये हो क्या रहा है, घर से सामान गायब है, पुलिस स्टेशन से पुलिस गायब है। अरे हम तो यहाँ फाइल ढूंढ रहे, कौन कहता है कि हम गायब हुए हैं? अरे बंदूकी जी, शहर में दिन दहाड़े चोरियाँ हो रही हैं, तो पुलिस गायब ही हुई ना। मैडम जी मैं यहाँ हूँ। अरे भाइयों, यहाँ तो पुलिस खुद जेल में, तो चोर को कौन पकड़ेगा? अब बंदूकनी के होते हुए चोर की इतनी हिम्मत?